की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर खबर पर हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं प्रीति शर्मा और आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। खबर सितारगंज से है। स्वर्ण कौर पत्नी श्री मखन सिंह निवासी ग्राम बसरगढ़ शक्ति फार्म सितारगंज जिला उधम सिंह नगर उत्तराखंड की है। स्वर्ण कौर ने बताया कि मेरा पति मक्खन सिंह शराब पीकर और नशे के कैप्सूल खाकर मुझसे मारपीट करता है और गलत काम करवाने हेतु मुझे मजबूर करता है और मेरे मना करने पर मारता पीटता है, गाली गलौज करता है और उसके कहने के अनुसार गलत काम न करने पर जान से मारने की धमकी देता है और कई बार जान से मारने की कोशिश भी की है। स्वर्ण कौर के दो बेटे हैं, सूरज सिंह व सोनी सिंह। स्वर्ण कौर ने बताया कि दोनों बेटे भी पिता की तरह नशा करते हैं और अपने पिता का ही साथ देते हैं और मुझे मेरे पति का कहना मानने के लिए मजबूर करते हैं। दोनों बेटे और पति की हरकतों से अपनी जान माल के भय से मजबूर होकर स्वर्ण कौर घर छोड़कर चली गई। स्वर्ण कौर ने बताया, जब तक तीनों अपना चाल चलन नहीं सुधारते हैं तब तक मैं घर वापस नहीं जाऊंगी और मैं तीनों से बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ। मेरी जान को खतरा है और मैं अत्यंत भयभीत हूँ। इन तीनों से स्वर्ण कौर ने बताया कि मैं काफी समय से थाने के चक्कर काट रही हूँ लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए मैंने SSP ऑफिस में अपनी शिकायत दर्ज कराई है। कुछ दिन पहले मैंने डाक के द्वारा भी SSP ऑफिस में शिकायत दर्ज कराई थी लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए स्वर्ण कौर ने खुद जाकर SSP ऑफिस में अपनी शिकायत दर्ज कराई और उसे आश्वासन दिया गया कि उसे जल्दी न्याय मिलेगा। आप देख रहे हैं सितारगंज से मोहम्मद उस्मान अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। नमस्कार। स्वर्ण कौर है, मेरे पति का नाम मक्खन सिंह है, बसीगर रहने वाली हूँ। बहुत मारपीट करते थे, नशा बहुत करते थे, गलत काम करने को मजबूर करते थे। मैं घर छोड़ के निकली हूँ अपनी मर्जी से, इसी में किसी का हाथ नहीं, कोई किसी का कोई मतलब नहीं। अपनी ज़िंदगी से मैं दुखी होकर घर से निकली हूँ। बच्चे भी मेरा कहना नहीं मानते, बच्चे भी अपने बाप के पीछे कहना मानते हैं। हाँ जी, मेरे पति करते थे, मक्खन सिंह मेरा पति करता था। उसके साथ और मिले हुए थे जो उसको भड़काते थे, जो नशे का लालच देते थे, आके मारता पीटता था मेरे को, गलत काम करने को मजबूर करता था मेरे को। इसीलिए अपनी ज़िंदगी से मैं तंग होके अपना निकली हूँ, अकेला रह रही हूँ। जहाँ भी रह रही हूँ मैं सही रह रही हूँ, काम मजूरी करके अपना पेट पाल लूँगी। मैं कभी भी ज़िंदगी में नहीं जाऊँगी मैं घर पे। सच्चाई बिल्कुल गलत है, ये झूठ है। किसी का कोई हाथ नहीं, कोई किसी ने ना मेरे को भेजा, ना किसी ने मेरे को आगे रास्ता दिखाया भी इधर जा या उधर जा। मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। मैं नाबालक तो हूँ नहीं जो मैं कोई काम नहीं जानती। सभी हाथ पैर मेरे चलते हैं। जहाँ भी मैं रहूँगी अपना मेहनत मजूरी करके खा लूँगी, अपना पेट पाल लूँगी। गलत काम करने से मैं नहीं जाऊँगी घर पे। घर जाऊँगी अपने पति से, मुझे पूरा खतरा है। पहले दो बार दवाई दे के मुझे मारने लगा, गलत काम करवाता, उल्टे सीधे उस आदमी के पास जा, उसके साथ जा, मैं नहीं जाऊँगी। मेरा नाम शरण कौर, मेरा पति का नाम मक्खन सिंह। बहुत परेशान करता मेरे को, मारता पीटता, नशा करता है, उल्टे सीधे काम करवाता मेरे से। दुखी होकर मैं घर से निकली हूँ, दो बार चौकी में गई हूँ, मेरी बिल्कुल सुनवाई नहीं हुई। थाने में गई हूँ कोतवाली में, वहाँ भी बिल्कुल सुनवाई नहीं हुई। इसीलिए मैं यहाँ SP के पास आई हूँ। यहाँ उन्होंने अब ले लिया अपना एप्लीकेशन। जहाँ भी रह रही हूँ मैं ठीक ठाक रह रही हूँ, अकेली रह रही हूँ। ना मुझे किसी ने भेजा, ना मैं किसी के कहने पे आई हूँ। अपना कमा के खा के गुजारा कर लूँगी मैं। मैं घर नहीं जाऊँगी कभी भी, ना मैं उनके सामने जाना चाहती। खरा दो बार पहले मारने लगे तो मैं अपनी जान बचा के बड़ी मुश्किल से निकली हूँ वहाँ से।